अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ ट्रेडिशनल चाट मसाला, जो बहुत ही यूनिक रेसिपी है और यकीनन आप इसको बना के इससे चाट घर में बनाएंगे तो आपकी चाट का लुत्फ दोबाला हो जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए 4 टेबल स्पून साबुत धनिया, 4 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून अजवाइन और ये साबुत मिर्चें हैं, ये छोटी वाली, ये मैंने आपकी सहूलत के हिसाब से गिन ली हैं, ये 25 हैं 25। और 4 टेबलस्पून खटाई पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक और ये 1 टीस्पून टार्टरी पाउडर। ये देखिए नमक, खटाई पाउडर और ये टार्टरी पाउडर, ये हम बाद में मिक्स करेंगे। इस वक्त हम ये जो चीज़ें रोस्ट करेंगे वो फ्राइंग पैन में डाल रहे हैं, मिर्चें, धनिया, ज़ीरा, अजवाइन और काली मिर्चें, इन सब चीज़ों को हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भून के काला नहीं करना है, हल्का हल्का सा भूनना है। जब खुशबू आने लगेगी तो हम ये फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से हल्का हल्का सा रोस्ट हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे इसमें निकाल लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें सारा मसाला इसमें डाल रहे हैं, डाल के पीस लेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे और बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे, हल्का हल्का दरदरा रखेंगे। ये देखिए हमारा मसाला पीस चुका है। अब इसमें ये जो 3 इंग्रेडिएंट हमने अलग से रखे थे ये भी हम डाल देंगे, खटाई पाउडर, नमक और टार्टरी पाउडर। टार्टरी पाउडर, ये नमक और ये खटाई पाउडर। ये देखिए हमारा बेहतरीन सा चाट मसाला तैयार हो गया है। इसको इस तरह से रखना है, हल्के हल्के से बीज इसमें नज़र आने चाहिए, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अगर आपको ये मेरा चाट मसाला पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।